आई होप आपने मेरी पार्ट वन की वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने सफ़र करा था नई दिल्ली जंक्शन से पटना जंक्शन का, और जिसका टिकट था 290 रुपये जनरल कैटेगरी। और इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने किस तरीके से सफ़र करा अपना राजेंद्र नगर टर्मिनल से, राजेंद्र नगर टर्मिनल जो कि पटना जंक्शन से मात्र 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू करा हसीमारा तक के लिए। हसीमारा रेलवे स्टेशन, जो कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि नियर बाई रेलवे स्टेशन है भूटान बॉर्डर के, अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो नियर बाई रेलवे स्टेशन आपको हसीमारा ही पड़ेगा। और इस ट्रेन का टिकट था 195 रुपये, तो 290 मेरे पहली जर्नी के, 195 ये दूसरी ट्रेन के, दोनों मिला के हो गए 485 रुपये। मैंने पार्ट वन में डिस्प्ले करा था कि मेरे 515 खर्च हुए थे पूरे भूटान बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, अब 485 मेरे खर्च हो चुके हैं इस ट्रेन को मिला के, जो कि मुझे छोड़ेगी हसीमारा। अब मैं हसीमारा से जयगांव या कि भूटान बॉर्डर कैसे जाऊंगा वो आप देखो इस वीडियो में। किस चीज का होता है ये? दूध का बनता है पेड़ा। दूध का खोए, खोए का है क्या? हाँ, खोए का। वैसे पेड़े का टेस्ट कुछ ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा, और थोड़ा हल्का लगा कि जैसे एक दो दिन पुराना ही है। वहाँ पर क्या है ये, क्या बेटा? अब ये मूत के बेटा भिजा देवो, अब ये मूत के भिजा देवो तू। तो जी हम पहुंच गए हैं अलू आबाड़ी रोड। क्या है भैया? भेलपुरी। क्या होता है? भेलपुरी है, भेलपुरी। छान मुड़ी बोलते हैं यहाँ पर। दस की बना दो। बीस का, बीस। किस में रहते हो? बीस बताएंगे? नहीं रहने दो। सही होती है खाने के लिए? और नमकीन टाइप का लगेगा, तीखा मीठा। भेलपुड़ी को ही छान मुड़ी बोलते हैं यहाँ पर। ये मैं अब पी रहा हूँ लाल चा। लाल चा बेसिकली क्या है कि लाल बिना, विदाउट मिल्क टी, तो ब्लैक टी तो नहीं बोल सकते, कोई लाल चाय है, लोकल प्लांटेशन होगी, तो उसकी चाय मैं पी रहा हूँ नींबू के साथ। बहुत ही अच्छा स्वाद है, आप मेरे सामने देख सकते हैं काफ़ी चाय के बगान हैं। ये जो मैम है ये जयगांव में ही रहती हैं, तो इनसे मैं करेंसी का स्टेटस पूछता हूँ वहाँ का क्या है। वैसे अगर एवरेजली देखा जाए तो इंडिया और भूटान की करेंसी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट जब मैं भूटान गया था तो हमारी जो करेंसी थी वो 6 पैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और नॉर्मली ऐसा होता है कि करेंसी दोनों बराबर ही होती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जयगांव में आपको भूटान की करेंसी चलेगी और पूरे भूटान में आप इंडिया के पैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली अब मैं पहुंच गया हूँ हसीमारा रेलवे स्टेशन। उस समय काफ़ी भीड़ थी स्टेशन पे, क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम था और तिलक का भी समारोह चल रहा था। बाय बाय ट्रेन। अरे मैं कह रहा हूँ अभी जयगांव जैसे अभी जाना चाहिए, बाद में जाना चाहिए? ऑटो मिल जाते हैं जयगांव के लिए? हाँ, मतलब अभी नहीं जाना है, बाद में अगर जाएं तो दिक्कत तो नहीं होगी ना? दिक्कत आपको भूटान के अंदर जाना है, ये पूरा जा सकते हैं। हाँ, ऐसा भूटान के अंदर ही जाना है। आप एक काम करिए, भैया से बात करिए, ये लेके जाएंगे उनको। हाँ तो मैं जाऊँ, बताइए सर कैसे करें? कैसे इनके साथ जा रहे हो तुम? हाँ अच्छा, बताइए आपको होटल चलना है तो होटल में आपको। अरे मैं सोच रहा हूँ हसीमारा में कुछ नहीं घूमने वाला, घूमने का कुछ नहीं है, इधर बैठ के फायदा ना, जंगल है, जंगल जाएगा तो जंगल जाने का सिस्टम है। चलिए आइए, सिर्फ जंगल ही है।
अच्छा चलो मैं आपको जो है मैं घुमा दूंगा, टेंशन मत अभी जाइए ना, गाड़ी पार्क करिए ना। तो तुम्हारा वो लोकेशन कितनी दूर है यहाँ से? पास में सामने ही है, 4-5 किलोमीटर। पूरा जंगल ही है, जंगल में रुक के क्या होगा? होटल लेना है तो होटल ले, होटल भी है, होटल आप ले लीजिएगा, उसका प्रोग्राम बनाइएगा, कहाँ जाना नहीं जाना, मैं घुमा दूंगा। कोई लड़का भेज देंगे आपको गाड़ी में? अरे नहीं देखो, जैसे मेरा भी प्लान है ना कि अभी हंसी मारा जाऊँ, मतलब रुकूं या अभी चले जाऊँ जयगांव, बाद में दिक्कत ना हो। नहीं नहीं दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहाँ से जयगांव फिर कैसे? जयगांव के लिए आप मेरे को कॉल करिए, मैं पहुँचा दूंगा भूटान गेट तक। मैं गेट में जाके आपको होटल भी करा दूंगा। हाँ भाई, ये आकाश जी है जो कि ट्रेन में मिले थे, और ये हंसी मारा में ही मतलब इनकी पोस्टिंग है। हाँ तो ये भी कह रहे हैं कि आप चले, मतलब यहाँ रुक जाओ हंसी मारा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हंसी मारा में कुछ है नहीं घूमने वाला है, कुछ भी नहीं है हंसी मारा भूटान में, बहुत अच्छा है। आप गेट अच्छा। पे जाएंगे ना, वहाँ पे विजिट हाँ। करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके ठीक है चलो ठीक है। हंसी मारा जो रेलवे स्टेशन है यहाँ है तो वैसे, क्योंकि घूमने के लिए भी अगर हम मेन अगर फॉरेस्ट की बात करें तो चलापाता फॉरेस्ट है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर, और जो कि बक्सर टाइगर रिजर्व है, और एक और है जलापादा फॉरेस्ट। तो आसपास ही हैं, आप आराम से आप घूम सकते हैं, बट ये फॉरेस्ट घूमने का भी टाइम नहीं क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुकी है और शाम को तो वैसे ही फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। तो हंसी मारा यहाँ रुकने का फिर कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जयगांव ही चले जाऊँ। और जैसा कि वो भैया जो कि मिले थे मुझे एक ट्रेन में, और यहाँ हंसी मारा में इनकी जॉब वगैरह करते हैं, तो मुझे ऑप्शन दे रहे थे हंसी मारा में रुक जाओ, बढ़िया एकोमोडेशन है। मैंने कहा यहाँ रुकने का कोई पॉइंट तो होगा नहीं। जहाँ से ऑटो मिलते हैं? हाँ हाँ हाँ, वहाँ के कितने रुपए लोगे? कुछ नहीं लेंगे सर। अच्छा आप बैठिए ना, अपनी जितना बाहर का आदमी आएगा क्या खाली पैसे लेना है क्या? मैं तो जा ही रहा हूँ, बोल रहा हूँ। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली? हाँ, मैं वैसे पटना जंक्शन रुका था। ये तो पटना से आप ये गाड़ी पकड़े ना? हाँ ये मैंने पटना से ली है, और इनका मुझे पता नहीं इन्होंने कहाँ से पकड़ी है। ये तो हमें से ली है, ये तो हम लोग का। वैसे है तो बहुत ज्यादा सुहाना, मतलब बहुत ग्रीन एरिया है ये तो। और भूटान के लिए आप जो जा रहे हैं सर, पासपोर्ट है? पासपोर्ट तो नहीं, वोटर आईडी कार्ड है ना? वोटर आईडी कार्ड है, ओरिजिनल है। हां, और आपको कितने लगेगा? नहीं नहीं, आईडी ये भी लोड करना है। तो वहां हो जाएगा एमबीओ से, जब अंदर जाएगा हां हां वो हो जाएगा। वो जो आईडी बनाते हैं वो, हां आईडी वो बनवा ली थी मैं तो, वहां से। अच्छा ये जो भाई हैं ये पहले भूटान घूम के आ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं पहले भूटान बहुत अच्छा है, भूटान मैं भूटान थिम्पू पारो पुना का मैं सब कर चुका हूँ। अरे इधर का कौन बता रहा है? ये भैया बताएंगे इन भैया। अच्छा आप बताओ। नहीं आप बताओ, आप बताओ आप। थिम्पू कैपिटल है वहाँ की, भूटान की कैपिटल है। वहाँ पे बहुत बहुत पहाड़ है और अच्छी वाली वेदर, वहाँ 0 डिग्री पे भी रहता है। आप एक्सपीरियंस बताओ, जो आप भूटान गए थे कैसे गए थे बताओ। हम कार से गए थे ऐसे ही नॉर्मल बस हम, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं गए, नॉर्मल थोड़ा सा हमने गए थे फिर वापसी आ गए थे। अच्छा तो क्या क्या करा? आप कह रहे हो वहाँ पर बियर बहुत सस्ती मिलती है, तो अपना बियर का एक्सपीरियंस बताओ मुझे। बियर वहाँ पे 85 रुपीज़ की मिलती है वहाँ पर। अच्छा कैसे, कौन सर्व करता है? गर्ल सर्व करती है। 85 नहीं, अच्छा कितना? 65। कहने का मतलब हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है, बाकी सब अच्छा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है और मुझे ऐसे गाड़ी में बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं, और ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो येलो टी शर्ट है भैया, ये मुझे ट्रेन के अंदर मिले थे, और ये इनके ड्राइवर हैं जो कि इन्हें लेने आए हैं उनके होटल छोड़ने के लिए। ये जो ड्राइवर हैं ये इनके एक तरीके से टेम्प्रेरी लोकल ड्राइवर हैं जो कि इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और ये मुझे ले जा रहे हैं ओल्ड हंसी मारा। आप जो स्टेशन उतरे हाँ न्यू हंसी मारा, आगे फिर एक ओल्ड हंसी मारा है, चार चौवा चौराहे है वहाँ पर। अच्छा, एक इधर कालचीनी जाता है, ये इधर आलिपुर द्वार जाता है, एक भूटान का तरफ जाता है, और एक सिलीगुड़ी तरफ जाता है। तो चारों साइड में आप वहाँ पर आप थोड़ा घूम लीजिए, उसके बाद आप ऑटो पकड़ के आप जयगांव जा सकते हैं भूटान गेट तक। तो आप घूमने का क्या होगा? ऐसे थोड़ा मार्केटिंग घूम लीजिए, जंगल वगैरह। हाँ, जंगल तो नहीं है सर, ये बगान है अभी चाय का। जंगल उधर है, जंगल मोटा मोटी यहाँ से आपका 20 किलोमीटर होगा। वो कौन सा जंगल बता रहे हो? वो आप चिला बता, बक्सा वाला। हाँ बक्सा वाला तो आपका वो दूर है, वो 45 किलोमीटर है बक्सा वाला। हाँ लेकिन नेट पे तो 25 किलोमीटर आ रहा है। हाँ 25 किलोमीटर दिखाएगा ये नेट पे, नकिल घूम के जाना पड़ता है। अच्छा ये बात है।
नेट में तो शॉर्ट दिखा था ना और गाड़ी में जाने से। अच्छा, ये जो ऑटो जा रहे हैं आगे वहाँ जा रहे हैं आपका जयगांव है भूटान, वो जो ऑटो वाला है ना वो जाएगा, ये छोटा वाला नहीं जाता है, इसको नो अलाउ है। अच्छा, इसको नो अलाउ है, ये आपका यही ओल्डा सीमा और न्यू सीमा का आगे वाले को यस अलाउ है ये। हाँ, ये जा सकता है उधर जयगांव तक जा सकता है जी, फिर ये भी भूटान नहीं रुक सकता है, चार चक्का चाहिए भूटान ढूंढने के। हाँ, कोई भी कार लेके जा सकते हैं ना। कितना लेते हैं चार्ज पर डे? देखो, अगर आप थिम्पू जाएंगे हाँ, तो अभी 1200 रुपये करके पट्टी लेगा एक बंदा का। अच्छा, और इंश्योरेंस रहेगा 600 और प्लस आपका गाइड लेगा वो 1500 रुपये है। अरे बहुत खर्चा है नेपाल जाने का, भूटान जाने का, सॉरी भूटान जाने का। इतना महंगा क्यों कर दिया भूटान? ये महंगा क्यों किया कि कोई मेरा भूटान में नहीं आओ ऐसा कर रहा है। अच्छा, बना रहा है ना अंदर, बहुत अच्छा है ना वैसे अंदर में मेरा भूटान ना हो वो तो चलो भूटानी लोग बताएंगे मुझे। हाँ बे, आपको जब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था तो वो पूरा एरिया है न्यू हसीमारा, जैसा कि भैया ने बताया था, और अब मैं आ गया हूँ ओल्ड हसीमारा। आपको न्यू हसीमारा से भी डायरेक्टली जयगांव के लिए ऑटो मिल जाएंगे और ई रिक्शा भी कुछ चलते हैं जो कि न्यू हसीमारा से ओल्ड हसीमारा लाते हैं। तो ये जो एरिया है ये ओल्ड हसीमारा के लिए, ओल्ड हसीमारा का, यहाँ से ऑटो मिलते हैं जयगांव के लिए। बट मैं अभी ऑटो लेके नहीं जाऊँगा, आसपास का एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ क्या है, लोगों से थोड़ी बातचीत करूँगा। जैसे कि आपको पता ही है मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना। मैं अभी जो खड़ा हुआ था तेराहा पे खड़ा था, अब मैं जा रहा हूँ अलीपुर द्वार की डायरेक्शन की ओर, और मेरे अपोजिट में है जयगांव का रास्ता, और मैं जिस डायरेक्शन पे आया हूँ उस डायरेक्शन से जाके रेलवे स्टेशन जाया जा सकता है। हाँ छोटू, बुला रहे थे बताओ। कौन बुला रहा था? क्या आवाज लगाई थी? आवाज क्या लगाई थी बताओ ना। कोई नहीं, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला? क्या बोला था? कुछ नहीं बोला। नहीं, अच्छी बात है, अगर नाम नहीं बताओ तो तुमने बुलाया बस, भाई अच्छी बात है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? पेन। क्या होता है इससे? हवा। करंट तो नहीं मारता है? नहीं। गला तो नहीं काट देता है? नहीं नहीं, प्लास्टिक का। अच्छा, कौन सी जगह है अभी जहाँ पर मैं हूँ? ओल्ड हसीमारा। क्या? ओल्ड हसीमारा। ओल्ड हसीमारा कुछ घूमने का है यहाँ पर? पीछे पीछे क्या देख रहे हो? घूमने की जगह पीछे है क्या? घूमने की जगह है बताओ आसपास कुछ घूमने के लिए, क्योंकि मैं नया हूँ ना इस जगह के लिए। अगर तुम बताओगे मुझे वहीं चला जाऊँगा। तो भूटान, तो भूटान तो अलग हो गया ना, वो हमारी कंट्री में थोड़ी ना। तो अभी ओल्ड हसीमारा में है, बहुत सारे दोस्त मैंने बना लिए हैं देखो आसपास। और क्या घुमाने वाले हो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो अभी बोलो? टी गार्डन है ही नहीं यहाँ पे एक भी भाई। टी गार्डन नहीं है? टी गार्डन उखा रखे वहाँ पे। बच्चे तो कह रहे हैं टी गार्डन है, तुम कह रहे हो नहीं। टी गार्डन आगे आगे पे यहाँ तो अभी उखाड़ दिए टी गार्डन को। क्यों उखाड़ क्यों दिया टी गार्डन को? फिर से लगाने वाले, ये क्या है ना 25 साल के बाद में इसे फिर से लगाया जाता है। अच्छा, इसीलिए मतलब फिर ये 25वां साल हो गया शायद, इसलिए हमें तो, हम तो उतना बड़े है नहीं, तो मम्मी लोग बोलती है 25 साल हो गया जैसे, इसीलिए फिर से मतलब इसका ही हो रहा है। अच्छा, हर 25 साल में उड़ा देते हैं, हटा देते हैं। इस टी गार्डन का नाम क्या है? ये वाले टी गार्डन का भरनावरी टी गार्डन, और ये साइड से जो पड़ता है वो सताली टी गार्डन। अच्छा, हम जा रहे हैं भरनावरी टी गार्डन। तो ये नाम जो भरनावरी दिया गया है, इसके ऑनर का नाम है क्या इनके? नहीं पता, वो सब नहीं पता, हम लोग जाते नहीं है ज़्यादा उधर। अच्छा, जाते नहीं। इस तरफ आ जाओ, धूप पड़ रही है ना जैसे, क्योंकि अब तुम ही मेन हो गए चैनल के वो एक्टर, बाकी बच्चे तो बेकार हैं, ये फेमस नहीं होंगे जल्दी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू है। सोनू, काम क्या करते हो? कुछ नहीं, अभी स्टडी चल रही है। तो हम एक चाय के बागान के पास पहुंच गए हैं और ये यहाँ पर काम करते हैं भैया, ये बेसिकली सुपरवाइज़र हैं चाय के बागान के। तो ये कह रहे हैं इनके अंडर में 40 से 50 अराउंड लेबर हैं, तो ये सबको मैनेज करते हैं।
अगर मैं पूरा ये चाय का व्लॉग डालूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप टी प्लांटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि सामने भैया खड़े इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो कोड डाल दूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने काफ़ी कुछ बताया मुझे। वैसे हसीमारा में जो मेन जो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है भूटान से, तो अगर भूटान अगर आप आ रहे हैं तो हसीमारा ही एक तरीके से आपका मतलब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ आप आ सकते हैं। उसके बाद ऑटो वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ से जयगांव का, फिर जयगांव से वो फिनचलिंग जो बॉर्डर है, मतलब जो फिनचलिंग तो भूटान के अंदर में ही आता है। और बाकी बात करें हसीमारा की, तो हसीमारा के आसपास जंगल हैं, ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ फेमस जंगल जलपदारा है और बक्सा टाइगर रिजर्व है, उसके अलावा चलपट्टा फॉरेस्ट, चीलापाटा फॉरेस्ट भी है। तो आसपास फॉरेस्ट है, आप घूम सकते हैं, लेकिन अभी टाइम भी निकल गया, फॉरेस्ट तो घूम नहीं सकते, 5:30 हो गए, वैसी शाम हो गई है। तो अब देखो मैं शायद अब जयगांव के लिए यहाँ से निकलूँ और रात जयगांव में ही रुकूँगा, उसके बाद भूटान की एंट्री। थैंक यू बॉयज़, बच्चों ने काफ़ी हेल्प करी, बहुत घुमाया मुझे, और अब मैं जा रहा हूँ जयगांव की तरफ, पैदल पैदल बढ़ रहा हूँ आगे जहाँ से मुझे ऑटो मिलेंगे। ये बस जा रही है अलीपुरद्वार के लिए और हम आगे बढ़ते हैं हल्के हल्के, जाम काफ़ी लगा हुआ है वैसे। फाइनली अब टाइम आ गया है ऑटो पकड़ने का इंडिया भूटान बॉर्डर के लिए, जयगांव के लिए। मैंने हसीमारा से ऑटो लिया था, ओल्ड हसीमारा से जयगांव के लिए, जिसका किराया था 30 रुपये। आप हसीमारा रेलवे स्टेशन से भी ऑटो मिल सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम होती है, वहाँ से लगेंगे आपके 40 या 50 रुपये। तो अगर 50 रुपये वहाँ से आपके लगते हैं तो हो गए टोटल 515। ये मैम जो कि मेरे साथ ऑटो में बैठी हुई हैं, ये मुझे दिखा रही हैं भूटान का 10 रुपये का नोट, और बड़ा ही अच्छा लगा पहली बार भूटान की करेंसी हाथ में पकड़ के। ये वैसे नेपाल से हैं और ये 10 रुपये का नोट जो कि शो कर रही हैं, अब इनके पास करेंसी है, और अभी तो हम भूटान में है भी नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भूटान पहुँचने से पहले ही और आप करेंसी यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। जयगांव में आसानी से करेंसी चल जाती है, और ये जो ऑटो वगैरह चलते हैं आपके हसीमारा से जयगांव के, ये भी करेंसी ले सकते हैं भूटान के। सारी सवारियां ऑटो से उतर चुकी हैं, 300 से 400 मीटर और आगे जाना है, फिर आसपास वहां का माहौल देखूंगा। और अब टाइम आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का। आई होप यू ऑल एंजॉयड।